आगे। नमस्कार प्रोफेसर डॉक्टर विवेक गुप्ता, दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल। तारीख है 2 जुलाई। डॉक्टर डे कल निकल गया है, लेकिन जुलाई पे अभी टेलीविजन पे डिबेट हो रही थी। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि जुलाई आ गई, वैक्सीन नहीं आई। चलो उस पर हम डिबेट में थे, वो अलग बात है। अभी हमने एक कॉम्प्लेक्स केस किया है, एक पेशेंट जिसको एंजियोग्राफी कराई थी मुरादाबाद में, और उसके बाद इन्होंने या सहारनपुर में कहीं और हुई थी, उसके बाद डिस्कशन ये था कि 4-5 ब्लॉक हैं, 3 ब्लॉक हैं, तो क्या एंजियोप्लास्टी करें या बाईपास सर्जरी करें। मैंने देखा कि एंजियोप्लास्टी हो सकती है, उम्र ज्यादा नहीं है पेशेंट की। उम्र क्या आपकी? आपकी उम्र क्या है? 73। तो उस केस में बाईपास के लिए ये लोग तैयार नहीं थे। मैं दिखाना चाहता हूँ किस तरह से 3 स्टेंट लगाए हैं, और जैसे बना था कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टीज। अब आप देखें, पहला ब्लॉक ये है करीब 80%, दूसरा है 90%, और तीसरा जो है ऑस्टियम पे है, एलईडी आर्टरी है ये, ऑस्टियम पे है 90%। 3 ब्लॉक है, 1, 2, 3, और ये 100% है। अब हमने पहले कहा कि यहाँ पे नेक्स्ट चला जाओ। सबसे पहले वायर डाला इसमें, राइट वाली आर्टरी ठीक है, वायर डालना ही थोड़ा सा मुश्किल होता है। नापा इसको लेंथ को, ये वायर चला गया। इसके बाद हमने गुब्बारे से फुलाया। ये बड़ा टेक्निकल बात है, पहले यहाँ फुलाया गुब्बारे से, नेक्स्ट फिर वहाँ फुलाया गुब्बारे से, नेक्स्ट फिर यहाँ फुलाया गुब्बारे से, रास्ता बनाने के लिए, एक पाइप के अंदर रास्ता बनाने के लिए 3 जगह गुब्बारा फुलाया। उसके बाद पहला स्टैंड ले गए, ये पहला स्टैंड गया, यहाँ पे स्टैंड लगा दिया, नेक्स्ट स्टैंड फूल गया। ये हमारे साथ ललित हैं, बड़े इंपॉर्टेंट टेक्नीशियन है, हमको हेल्प कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं। उसके बाद ये ठीक हो गया बिल्कुल। उसके बाद हमें दूसरा स्टैंड लगाया, यहाँ से यहाँ तक मुश्किल से गया, स्टैंड जाने में दिक्कत हो रही थी, कैल्शियम है इसके अंदर, लेकिन स्टैंड चला गया बढ़िया तरीके से, देखिए चला गया। फिर वापस इसको पुल करके सही लोकेशन पे, बड़े इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे लोकेशन बड़े इंपॉर्टेंट होती है, 1 मिलीमीटर आगे पीछे गड़बड़ हो जाता है, इसीलिए एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ती है और अच्छा बैकअप सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। दिमागी टेक्नीशियन जो ललित और हमारे अवतार के पास है, उनकी जरूरत पड़ती है। तो उसके बाद हमने स्टैंड लगा दिया ये वाला, स्टैंड के बाद हमने पोस्ट स्टैंड वैलिडेशन किया, एक बलून और किया और ठीक हो गया। अब हम आए सरकम फ्लेक्स पे, ये जो आर्टरी 100% नस बंद थी, अब यही बड़ी बात है, नॉर्मली 100% नस खुलती नहीं है, लेकिन जब अच्छा वायर, अच्छा स्केल, अच्छा एक्सपर्ट डॉक्टर करने वाले हों तो खुल जाती है। जैसे ही खुल गई तो बड़ी अच्छी बात है, नस के अंदर कोई फ्लो नहीं था, 100% नस बंद है, देख रहे हैं कोई फ्लो नहीं आ रहा। नेक्स्ट हमने यहाँ पे बलून किया, नेक्स्ट बलून करने के बाद हल्का सा फ्लो आ गया, फिर यहाँ स्टेंट लगा दिया, ये देखिए फ्लो आ गया, हमने फिर स्टेंट लगाया, नेक्स्ट ये स्टेंट के बाद फ्लो आ गया, एक स्टेंट लगाया। इसके अंदर स्टैंड लगाना आसान नहीं है, कैल्सिफाइड ब्लड, जब नस में कैल्शियम होता है तो स्टैंड लगाना दिक्कत होती है। और इसके बाद फटाफट एक बार बैलून से और उसको फुलाया आगे, यहाँ पे फाइनल शॉट दिखाओ, हाँ बहुत अच्छा। देखिए ये नस 100% नस बंद थी वाली यहाँ पे, और पूरी नस खुल गई, 100% नस खुल गई, तो यही सबसे बड़ी OM थी, आई थिंक दिस वाज द लार्जर OM, है ना। तो इस तरह से एक अच्छे सेंटर में अच्छे एक्सपर्ट हैंड के साथ, अच्छे टेक्नीशियन ललित और अवतार के साथ में ये काम अच्छा हो जाता है। इसीलिए एंजियोप्लास्टी डॉक्टर पैट्रिक सराज हॉलैंड के हैं, वो कहते थे एंजियोप्लास्टी डन फ्रॉम हियर, बिकॉज यू हैव टू थिंक, कीप थिंकिंग, गलत वायर ना जाए, गलत बैलून ना जाए, गलत स्टैंड ना चला जाए, लोकेशन क्या करना है, कब रोकना है, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, बिकॉज द पेशेंट इज फुल्ली कॉन्शियस, वी कांट टेक अफोर्ड एनी चांसेस। आप ठीक है? ठीक है, जोर से बोलिए। जी ठीक है। बहुत बढ़िया, हमारे मिस्टर, क्या नाम आपका? इरशाद। तो कहते ना इरशाद करिए, इरशाद करिए, जब वो कवाली होती है, इरशाद फरमाइए, तो ये इरशाद अली है, इनका बहुत अच्छा काम हो गया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टी रिक्वायर्स लिटिल मोर स्किल, मोर पेशेंस, और अवॉइड कॉम्प्लिकेशंस, उसके लिए यू शुड नो व्हेन टू स्टॉप। डॉक्टर विवेक गुप्ता From Indraprastha Apollo Hospital, New Delhi, on 2nd of July at around 6:30 PM, along with Mr. Lalit and Mr. Avtar, our chief technicians, and nurse, Ms. Madam? Dipali. And Radhika. Ji dekhiye, Radhika aur pura staff hamara yahan ka. Thank you very much for watching this video. Stop.